गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राइसन पब्लिक स्कूल। हम लोग क्लास सेवन्थ की बेटा मैथ्स पढ़ रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। हम लोगों ने इस चैप्टर में अब तक रैशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर लिया था बेटा, और हमारा डिवीजन कंटिन्यूसली था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.4 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर दिया था, आई थिंक, है ना। 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग इस एक्सरसाइज 2.4 का ही क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी 2.1, 2.2 जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो आपको आ गया होगा अच्छे से, उसका रिवीजन करने वाली जरूरत है नहीं, और मल्टीप्लिकेशन का रिवीजन यही हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बेटा फाइंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका ए है आपका 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2। तो आप 1/3 को एज इट इज लिखोगे। चलो मैं इस तरीके से कर देता हूँ, 1/3 ये एज इट इज जाएगा। डिवाइडेशन को किस में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई में? डिवाइडेशन को किस में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई में। और 1/2 का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2/1, ठीक है। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2/1। हम मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1 से करोगे तो 2, और 3 को 1 से करोगे तो 3। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। वापस देखो, 1/3 एज इट इज डिवाइडेशन मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और इसका आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 1/2 का क्या हो गया, 2/1 हो गया। और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 1 से किया 3, तो 2/3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी का अपन क्वेश्चन नंबर सी कर दें। 8 डिवाइडेड बाय 1/4, तो 8 डिवाइडेशन का मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, डिवाइडेशन का मल्टीप्लाई में। और 1/4 का रेसिप्रोकल करोगे तो इट विल बी 4/1, किस में चेंज हो जाएगा बेटा, 4/1 में। 8 एज इट इज़ डिवाइडेशन मल्टीप्लाई में, और 1/4 का क्या हो गया, 4/1। हम मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा, नीचे 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना बेटा, तो 8 4 जा 32। आप चाहो तो एक बार लगा लो, फिर हटा देना, 1 आएगा। तो 1 को हम लोग नहीं मानते ना, मतलब 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो हम हटा सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, 32, ठीक है। अब इसके बाद एक आपने फोर्थ का ए कर लिया, हमने सी कर लिया, एक आप एफ देख लीजिए। एफ है आपका 8/3 डिवाइडेड बाय 1/2, 8/3 डिवाइडेड बाय 1/2 बड़ा ये आपका। तो पहले आप इसको पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे। मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करोगे, सिंपल फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करोगे, 2 1 2, 2+1 3। बच्चा जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ठीक है। यानी कि अगर मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हो तो वो फ्रैक्शन हमेशा कौन सी होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 8/3 डिवाइडेशन चेंज होगा किसमें, मल्टीप्लाई में, और 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3। तो 8 2 जा 16, 3 3 जा 9। अब बोलोगे सर कट क्यों नहीं किया बेटा, देखो अब कट हो ही नहीं रहा, 8 की टेबल से 3 कट होगा नहीं, दोनों ही 3, और 2 से भी 3 कट नहीं होगा, तो हो ही नहीं सकता वो, तो इसलिए आपका आंसर हो गया 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 डायरेक्ट। समझ में आ गया बेटा। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, फाइंड द रेसिप्रोकल, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस क्लासिफाई द रेसिप्रोकल, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल classify the reciprocal as proper fraction, as proper fraction, as proper fraction, improper fraction, and whole number. ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, ईच ऑफ फाइंड द रेसिप्रोकल में पूरा क्वेश्चन लिखा है, वही प्रॉब्लम बेटा बुक्स वगैरह की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पूरा यहाँ पर. कोशिश ये करें कि आप जल्द से जल्द बुक बाय कर लें, है ना, स्कूल से. ठीक है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करो हर एक का जो भी हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं उनमें से. क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको क्लासीफाई करो प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर में उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से. और होल नंबर बेटा कंप्लीट नंबर होता है, यानी कि 1, 2, 3 -1, 2, 3 भी जाते हैं. ठीक है, तो हॉल नंबर क्या होते हैं बेटा आपके, सिर्फ 1, 2, 3 काउंटिंग वाले जो नंबर दिख जाए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट नंबर हो, कोई फ्रैक्शन वगैरह ना हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हॉल नंबर बोल देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ए दे रखा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए, 1/11. तो आप लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इक्वल टू 11 हो जाएगा. ठीक है बेटा, तो 11 एक कंप्लीट नंबर है ना, तो हम इसको क्या, 11/1 होगा तो 11/1 का 11 ही होगा. ठीक है, तो हम लोग 11 ही लिख देते हैं. तो 11 क्या है बेटा, एक हॉल नंबर है ना, क्या है हॉल नंबर. ठीक है बेटा, रेसिप्रोकल फर्स्ट क्वेश्चन था 1/11 था, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 निकालोगे तो 11 हो जाएगा. ठीक है, इंटरचेंज करोगे इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 11/1 आएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं, और 11 क्या, एक हॉल नंबर है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी का ही नेक्स्ट देख रहे हैं, सी देख रहे हैं हम लोग, 5/6. तो रेसिप्रोकल ऑफ 5/6, तो इंटरचेंज कर दोगे, डिनोमिनेटर तो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर. मतलब आपको इंटरचेंज करना होता है रेसिप्रोकल में बेटा. तो अब देखोगे आप 6/5 को, तो 6 न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर क्या होता है आपका, ऊपर वाला नंबर होता है जो कि क्या है आपका, 6 है, और डिनोमिनेटर क्या है आपका, 5 है. तो 6 ग्रेटर है 5 से, 6 बड़ा है ना 5 से, तो ये कौन सा हो गया, इम प्रॉपर फ्रैक्शन. कौन सा फ्रैक्शन हो गया बेटा, इम प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर हम लोग आगे चलते हैं.
ओके बेटा, बाकी कर लोगे सब में इसी तरीके से करना है आपको। आप पहले उसका रेसिप्रोकल निकालोगे और फिर बता दो कि वो हॉल नंबर है, इम्प्रॉपर है या कोई और है, प्रॉपर है। ठीक है, बेटा कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, कर लोगे ना इतना, बस चेंज करना है और उसको बताना है कि वो प्रॉपर है या नॉर्मल है। फाइंड एंड राइट आंसर एज मिक्स फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड एंड राइट आंसर एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ए है इसका बेटा फोर अपॉन फाइव। तो बेटा पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 5 4 20 20 + 3 कितना हो गया 23। डिवाइडेशन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, और 4 upon 5 का क्या हो जाएगा 5 upon। बच्चा ये मिक्स में था ना, इस पर तो वो इफेक्ट ही नहीं पड़ता, मतलब इसका डिवाइडेशन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो सिर्फ इसी का रेसिप्रोकल करते हो ना आप, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसको मैंने नॉर्मली मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 5 4 20 20 + 3 23 upon 5, डिवाइडेशन मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा था आपको कट हो तो कट कर दिया करो, तो आपको दिख रहा है ये 5 से 5 कट हो रहा है ना, तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा 23 upon 4 आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी का ही हम लोग देख रहे हैं बेटा, बी देख लेते पहले, बी 5 4 upon 7 डिवाइडेड बाय 1 3 upon 10। अब पहले इनको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, 7 5 = 35 35 + 4 कितना हो गया 39 हो गया, डिवाइडेशन 10 1 = 10 10 + 3 30। कोई कन्फ्यूजन है बेटा, चेंज क्यों नहीं किया, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में करो बेटा, यहाँ पहले से ये सिंपल फ्रैक्शन में था तो मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पर पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, फिर डिवाइडेशन किस पे चेंज होगा मल्टीप्लाई में। ओके, तो आप चेंज करते हैं हम लोग, 39 upon 7 multiply by 10 upon 13। हाँ ठीक है, तो कट करते हैं बेटा, 13 का अगर आपको टेबल याद है तो 13 1 13 13 3 39 सही है। उसके बाद तो कुछ कट हो नहीं रहा, 7 से 3 कट नहीं होगा और 10 भी कट नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप आंसर कर दोगे 3 10 30 upon 7। बेटा आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहा था ना अपने को आंसर, तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर दो, 4 5 = 20 रिमेनिंग 3 और 4 रिमाइंडर 3 आ गया। ऐसे यहाँ पे 30 को डिवाइड करोगे कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 7 4 = 28, और उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा 2 और upon 7, तो 4 2 upon 7 आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ओके बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, है ना, तो हम लोग आगे चलते हैं। इसको ए एंड बी हो गया आपका, आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे दिया है। अब इसके कितने क्वेश्चन है बेटा, एफ तक है बेटा ये, तो मैं एक एफ क्वेश्चन और कर देता हूँ। ठीक है, एफ 4 3 by 7 डिवाइडेड बाय 3 1 by 2। ओके, 4 3 by 7 डिवाइडेड बाय 3 1 by 2।
तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते बेटा। साइन 4 जो 28, 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 31, 2 3 जो 6, 6 प्लस 1 क्या हो गया बेटा 7। वापस कर लो, चेक कर लो, साइन 4 जो 28, 28 प्लस 3 31, 2 3 जो 6, 6 प्लस 1 7। अब नेक्स्ट 31 अपॉन 7 डिवाइडेशन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, 2 अपॉन 7 हो गया। अब कुछ कट तो हो नहीं रहा मेरे ख्याल से, देखो 31 7 के टेबल में नहीं आता और 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो कट तो नहीं होगा। चलो मल्टीप्लाई करते, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 62, 7 7 जा 49। तो अब मिक्स फ्रैक्शन में आपको आंसर देना है, तो ये वन टाइम होगा, 13 आ जाएगा आपका रिमाइंडर और 49, तो आपका आंसर हो गया 1 13 अपॉन 49। क्या आंसर हो गया बेटा 1 13 अपॉन 49 आपका आंसर हो। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ बेटा हो गया ना, तो ये 6 क्वेश्चन हो गया आपका। 7th क्वेश्चन भी सेम है बेटा, आपको मल्टीप्लाई ही डिवाइड ही करना है और जहाँ मिक्स फ्रैक्शन में दे सकते हो वहाँ मिक्स फ्रैक्शन, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। क्वेश्चन नंबर 7, 6 भी आपका सेम है। क्वेश्चन नंबर 7, तो बेटा ए ले रहे हैं हम लोग, इसका इसका भी फर्स्ट ही ले रहे हैं, 4 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 3 बाई 3 4 जा 12 और 1 कितना हो गया बेटा 13 डिवाइडेड बाई 3। 1 एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, 13 अपॉन 3 डिवाइडेशन मल्टीप्लाई में और इसका 1 अपॉन 3 हो जाएगा। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 3 3 जा 9। अब ये मिक्स फ्रैक्शन को है सिंपल फ्रैक्शन चेंज करो तो 9 1 जा 9, 4 रिमेनिंग बच गया और 9 ऐसे आ जाएगा। तो बेटा डिवाइडेशन इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया, 3 4 जा 12 और 1 13 अपॉन 3 डिवाइडेशन 3 अपॉन 1 डिवाइडेशन मल्टीप्लाई में और 1 अपॉन 3 हो गया। 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13, 3 3 जो 9 डिवाइड किया हम लोगों ने 1 टाइम 4 अपॉन 9, तो 1 4 अपॉन 9 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका ए क्वेश्चन 7th का ही। एक और कर लीजिए आप, सी कर लेते हैं, सेम है बेटा, कोई वो नहीं है, चेंज नहीं है, वही डिवाइड करना है, 4 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 2 4 जा 8 और 1 9 अपॉन 2 डिवाइडेशन मल्टीप्लाई में और 4 अपॉन 1 का 1 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 और 1 9 हो गया, अपॉन में 2 आ गया, डिवाइडेशन मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 4, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 और 2 4 जा 8। एक और देख लीजिए, शायद एफ और देख लेते हम लोग, 4 2 बाई 5 डिवाइडेड बाई 11, 5 4 जो 20 20 प्लस 2 22 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेशन मल्टीप्लाई में और इसका रेसी प्रॉपर 1 अपॉन 11 हो गया बेटा, तो 11 टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जो 2 अपॉन 5। अब इसका आपको लेने के, इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज नहीं कर सकते, इसको नहीं चाहिए हम लोगों ने,
एट वन जाए एट बेटा, वन रिमेनिंग, वन वन अपॉन एट। बेटा इधर देखो, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया आपने, ये आपका इम्प्रॉपर था तो आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, बट ये क्या आ गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया ना, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते ना। ये इम्प्रॉपर था तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हुआ, ये इम्प्रॉपर था तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हुआ, बट ये क्या है 2/5 क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये चेंज नहीं होगा, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या कर लिया बेटा, 4 to 7 कर लिए ना हम लोगों ने। तो आपका होमवर्क क्या है बेटा आज का, एक्सरसाइज 2.4 का आपको क्वेश्चन नंबर 4 to 7 तक आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 to 7 आपको करना है, और बेटा कोई भी प्रॉब्लम होना तो कमेंट कर दो। ठीक है, वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें हैं आपके सामने। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। ओके बेटा, आज के लिए इनफ, फिर आगे क्लास, नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं। ओके।